घुमया ओ बे किड़े पटण आ रे बोलेया ओ जड़ा कारी डब्बा कोई सोरो दी किदे ओ आंदी गया ए फोड़ा छवा के ते आमण आला है ओ कंजार को पैसे लेने आनो ए ए मैं लेवना पाप थोड़ी ना लो भला वो 1400 रुपया जड़ा ले आया केड़ा 1400 मैं तेरे को ले आई और फिटे मुंह ने तो लाख दे लाना दे अगले ने जब मां बीमार है दवाई कान ले आ काई नु मेरे को पैसे ले चल जाएगा दिमाग रख पैसे देना नु मैं तेरे पहला दिमाग रख मां थोड़ा मुंह पैसे तो नहीं कोई ओ मैं के मैं तो पैसे ले मैं को मेरे बाकी बिना और देख पैसे मेरे ए लाके कान देना कोई नहीं पैसे दे ओ मेरे को तेरे कोई मैं पैसा नहीं देने मैं दिन कहीं ना मैं तेरी एक रुपया भी नहीं देना हैं अब क्यों है नहीं बचना मेरे तू ठहर जा क्यों है की 1400 रुपया ले आदमी बीमार है हां मैं औंडी दा ले आना हां वो जवाब दे छे मैं कोई नहीं पैसे देने कोई भी इन खाला ने मैं ना तू पुलिस नु फोन कर पुलिस तू ए ठड्या कर लेने तू फोन कर अरे यार एक बार मेनू आ छोड़ दे भैया मेरा फोन आज इन मैं कहनु तू छोड़ना कहीं भी सही ककाई ना वन फाइव तो कॉल करो हां जेडी त्रू त्रू चौ पंजू ते कार छड़ जेडे ते होंदी कार है जिन मर्जी कने गोकर वेंदी ते पई है हूं सुत्ता ना पिया वे लांती चंगे कोई नहीं छाड़ा जी ना किसे भी नहीं चाणा फोन आज ओए आप के रखया है ओए आप खलो जाओ यहां ते की होवे हुन हुन काम सोच रहा हूं गोकर वेंदी पई है हेलो हेलो जी ऐसा चोट डोंगा सा बोलते पे हो जी जनाब अभी तक बंदे मैंने मार मार को उड़ा दिता पैसे अपने लेने आनो केड़ी जगह ओ भला वैसे कोना जो आया वो सन छड़ाया पर मैं सट्टा मुंह ला गई मेहरबानी करो हरला के डेरे ते खड़े हां जी केड़ी जगह तू बोलदा बाबा हरोल नहीं जी बाबा हरोल ते डेरे ते मैंने मारया सो बाबा हरोल केड़ी जगह ते ओए ओनु आका मारते आ भी जा डेरे ते हला 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 जी मैं आया जी मैं मरदा फिर आ जी आ अगड़ी कटो Oh no! Oh ऐसा चोर डोंगा साहब आ गए फाल लिया साज ऐसा चोर साहब इस बंदे को मारे गड्डी खराब आई गड्डी मैं डाक लेना जी जी ए नवी लाई जी जी हां नवी लाई है 0 मीटर है औ थपान पर काका इनो छोड़ दे नहीं जानदे छोड़ दे हां जी की बने की मसला बने ऐसा चोर साहब आ करी डब्बे में ना छोटा ना मार मार के उड़ा देता क्यों वजह की बनी साहब जी आके बात तमीजी कर दे गाला कर गल की होई है मेनू गल दस गल की होई है सर मैं लेने आने देखो पैसे लेना है तो इसमें जवाब दे छे साहब जी कोई पैसे पूछे नहीं मैंने वाके हले काई नहीं पैसे अगु आखड़े लग गया तू कौन है भाई मैं ये चुलगा जांदा हस्ते दो हथी पे होया न अच्छा हां मैं न छुड़ाया तो मैं ही फोन कराया इनदे कोल वा लड़ाई तोडी दोवां दी है चलो उतरावे थाने मैं किदे जाना जी थाने चलना तन पता लगदा मेरे बाल ओ चल लगे लग बाल भूखे तेरे मरते पन चल थाने आओ का लड़ाई नहीं इथे पिंड च ओदा इंटरव्यू लेना है गवाह दा और थाना डेगा वाला ऐसा छोडोंगे कोल हां ठीक है ओके अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम साहब जी मुझे तो छाड़ देना तू की करना आया बैठा बे त्रै बंदे नहीं फद्दे तुसी जी ओ गवाह दा इंटरव्यू लेना मैं गवाह दा इंटरव्यू लेना ठीक है इधे तू किदे इथे बैठ जाओ दो मैं ढाक आया तू इथे बो ना मैंने गल दस गल होई की ए लड़ाई किवें होई है ए गवाह जी आ बैठ जाओ जी बैठ जा उत्ते बैठ जा मेरा पुत्र कोई नहीं उत्ते बैठ आईदे उत्ते नहीं बाणा इथे बाणा अस्सलाम हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है आपका नाम जी मेरा जेड़ा है ना हो मेरा नाम ना बख्शू बख्शू अच्छा ये जो लड़ाई हुई है जी आपने ये लड़ाई अपनी आंखों के सामने देखी जी मैं उधर से आता पे था तो ये ना दोनों वहाँ लड़ते पे थे। फिर मैंने ना इनको बहुत छुड़ाया, ये ना इक्की दुई को मारते रहे थे। ये जो लड़ाई थी आपने अपनी आंखों के सामने देखी है? हाँ, तो ज्यादा चोटें भी आई हैं। हाँ, एक ने एक को घुसोन बीड़ा, उसकी नाक में से दूतनी छोट गई, दूजे ने उसके बाल फूटे, तीजे ने फिर उसको चाटे बीड़ी। नहीं, लड़ाई तो मैंने दो बंदे की सुनी है, तीजा कहाँ से आ गया? तीजा कोई भी नहीं जी, वो तीजा मैं था। हाँ, मैं उनको छुड़ाता रहा था, उन्होंने मुझको भी वेच मार दी थी। एक ने ईदू मंडी, एक ने ईदू मंडी। फिर ना मैंने घबरा के आखा भाई वो ना जो SHO डोंगा है ना उसकी तरफ फोन करो, उन्होंने ना मोड़ उदे ओंदे अलकाल की थी। SHO डोंगे को काल की? हाँ, ये नहीं पिया हुआ। अच्छा, ये SHO। तो ये फिर जल्दी आ गए थे, किस चीज़ पे आए थे? ये माशाल्लाह अपनी बहुत चंगी सवारी पे आए थे। अच्छा, जो जो इन्होंने ना वो उन्होंने दी हुई है ना, तुम लोगों को किन्होंने दी हुई है? हमें सरकारी गाड़ी मिली हुई है भाई। हाँ, वो इन्होंने ना सरकारी गाड़ी दी हुई है, उससे आए थे। अब वो जो है मुलज़म को ज़्यादा चोटें लगी हैं, उसकी अब कैसी हालत है? आपको तो पता होगा, आपने अपनी आंखों के सामने सारा बकवाल है। एक का ना कान फाट गया था, एक का मुंह सोच गया था, एक की लाता में थे बाल पट्टे गए थे। इस तरह ना वो जैसे बांबर नहीं लड़ते, इस तरह करके ना वो लड़ रहे थे। समझ नहीं आ रही थी ये पैसों की लड़ाई है कि सवानियों की लड़ाई है। जैसे सवानियाँ नहीं लड़ती, वो नहीं लड़ रहे थे। सही तरह दस, सही तरह, घबरा के ना दस, सही दस। तू मौके का गवाह है, चश्मदीद गवाह हैं आप, इस वजह से वो कह रहे हैं कि सर 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 ऐसा डोंगा शराब मैंने इन गुनागार अखा नाल वेख्या और नानू जी बस जिन्ना एक मैं वेख्या जी, मैं उतना एक ही बता रहा हूँ जी। तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप कुछ और कहना चाहते? हाँ हाँ जी, बताएं। इससे आगे मैं और कुछ नहीं आग सकता, अल्लाह के नाम है, मुझे छाट दो, मैं जाऊँ, मेरे बाल भूखे मरते पे। बह जा, मैं आप भी भूखा मरता पे आऊँ। ये मुझे वाह राह से लब्बी थी, ये मैं दाना दाना चाह के खा रहा हूँ जी। वो मुलज़म है, उनकी तो हो गई लड़ाई जी। आपने इसको किस खुशी में अंदर बंद किया? वो इन्होंने बंद बंद कोई नहीं किया, ये मौके का गवाह है, इन्होंने छड़िया नहीं। इन मैं नाल लैके आया भी असल हकीकत जी है ना वो पता लगनी चाहिए। एवं बेगुनाह किसी को ढकन का या किसी नाल को कार्रवाई करने का फायदा नहीं है जी। नाजरीन, ये थी इस गांव की लड़ाई के सारा वकुआ जो आपने ये बख्शों की ज़बानी सुना और SHO साहब का, डोंगा साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुना। तो नेक्स्ट किस्त पे देखेंगे कि ये केस किस तरफ जाता है और फैसला क्या होता है। ओके।